4 को जे बच्चे अहमदाबाद से जम्मू तवी बाई ट्रेन आएंगे 16:04 अप्रोक्सीमेटली 18:40 पर, इनका लगभग 19:30 बजे तक ये हमारे हेड क्वार्टर में 16:04 से। अपनी तरफ से और स्टाफ की तरफ से इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बच्चे एक खुशगवार होने वाला और पूरी लाइफ का एक ये ऐसा ओकेजन है जो पूरी लाइफ एक क्या बोलते हैं उसको मेमोर बनकर याददाश्त बनकर के रहेगा और ये कभी भूलेगा नहीं। ये जो एक्सपोजर है, एक जो हॉरिजन है, जब वो बढ़ता है तो उसी प्रकार हम अपने के लक्ष्य तय करते हैं। किताब के अनुसार आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, टीचर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आपको राह दिखा सकते हैं, परंतु आपका जो रीजन है उसके लिए आपके अपने प्रयास, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है उनको हासिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। वो अपॉर्चुनिटी चाहे वो आप अपने पेरेंट्स के माध्यम से करें, अपने स्कूल कॉलेज अपने शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से करें, या सिर्फ अपने स्तर पर प्रयास करते हुए वो इस तरह के मौके हासिल करें, तो इस तरह का मौका ये आपको एक सीआरपी की तरफ से दिया जा रहा है। बच्चे जो कि भारत दर्शन हेतु आगे प्रस्थान करेंगे और यहाँ पर उपस्थित हमारे 38 बटालियन के बहादुर जवान, इससे पहले कि मैं पुनः सभी का धन्यवाद ज्ञापन करूं, मैं कुछ हिदायतें या ऑलमोस्ट सारी बातें तो कवर हो चुकी हैं। डीआई सर ने बड़े ही विस्तार से सारी बातों को आप लोगों को बताया है, फिर भी मैं बच्चों से ये आग्रह करूंगा कि मौसम का हाल देखते हुए पानी वगैरह जितना हो सके आपने ज़रूर पीना है। जो बटालियन के प्रांगण जो कार्यक्रम हुआ है उसका उद्देश्य, उसका नाम से जुड़ा हुआ है कि वतन को जाना, भारत दर्शन। ये कार्यक्रम सीआरपीएफ के माध्यम से भारत सरकार स्कूल के बच्चों को, वो बच्चे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, गरीब हैं, दूर दराज के इलाके के रहने वाले हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अपने घर से बाहर, स्कूल शहर से बाहर जाके बाकी संस्थान, बाकी जगहों पे, बाकी राज्यों में बाकी लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, वो किस स्तर पे काम कर रहे हैं, तो ये एक एक्सपोजर देने का और अपने देश को जानने का, अपने देश के अलग अलग तरह के जो कल्चर हेरिटेज हैं, कल्चर्स हैं, उनको समझने का एक मौका है जो सीआरपीएफ के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। तो उसी कड़ी में आज स्मैलपुर हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे वो यहाँ से गए हैं, कोई 15 बच्चे गए हैं और 15 बच्चों कावड़िया में वहाँ पे जाएंगे, तो दिल्ली और अहमदा गुजरात की तरफ से वो तो गए, कोई 7 दिन का टिकट वापस आ जाए, इनको जहाज से जाना, ट्रेन से सफ़र करना,
बाकी व्यवस्था सियासी की, बाकी व्यवस्था होटल की, खाना पीना हर चीज़ जो चीज़ की आ रही है इस सी आर पी की सब्सिडी को की जा रही है पी एफ तो उम्मीद है कि जो हमारा उद्देश्य है, भारत सरकार का उद्देश्य है कि वतन को जानो, कि वतन में बाकी जगह पे उनके कल्चर के जो लोगों के बीच उठना बैठना है वो किस प्रकार है। इससे बच्चों का एक है कि पढ़ाई के साथ साथ उनका हॉरिजन को ब्रॉडन करने का भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, बेहतर बड़ा हॉरिजन, बेहतर बड़ा एक्सपोजर। और उसी प्रकार बच्चे अपने आप को एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, बड़ा लक्ष्य सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी है कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोच के डेवलपमेंट, सोच की बेहतरी बढ़ोतरी के लिए तो उस प्रयास में आज हम याद करे हैं और बच्चों को यहाँ भेजा गया है। और उम्मीद है कि कुछ नया सोच के साथ, नया कुछ सीख के साथ सी आर पी आर वालों की तरफ से जा रहे हैं, ये मौका मिल गया तो इसका हम पूरा लाभ उठाएंगे, जाएंगे दिल्ली, जाएंगे दिल्ली से फिर हमने जाना है गुजरात, फिर गुजरात से वापस हम आएंगे, जाएंगे फ्लाइट द्वारा, आएंगे ट्रेन द्वारा वापस आएंगे।